Welcome to my channel. This is Sam. I'm playing Liza P. So we are going for the boss. Definitely going for the boss. Just a second. Okay. So we are going back to the factory, right? चला ये हो जाता है कंफ्यूजन क्योंकि दो गेम एक साथ खेलने से ना ये कंफ्यूजन होता है कभी-कभी यूज बटन एफ से होता है किसी गेम में और किसी गेम में यूज बटन ई से होता है तो ये वाला जो वेपन है इसका देख रहे हो तुम 123 प्लस 44 है फिजिकल अटैक और इसका है 157 ऑलरेडी और मैं अगर कोई वेपन असेंबल करूं मतलब ये ब्लेड पकड़ लूं और यहां पे हैंडल में इसका हैंडल ले लूं जो इसका है वेपन असेंबल करते हैं इसका देखो तो 151 प्लस 51 156 प्लस 51 है वहां से तो जा ही सकते हैं ना देखता हूँ वहाँ पे अगर मिल जाए तो मूनस्टोन चाहिए भाई अपने को तो मूनस्टोन के बिना नहीं होगा अपग्रेड के लिए मूनस्टोन चाहिए और दो टू मूनस्टोन्स ये मतलब बहुत टाइम लगता है इसको अटैक करने में फ्रेगमेंटिंग मिलता है रैंचो ये वेपन बहुत स्लो है भाई ये वेपन का मतलब मुझे पता है अच्छा है स्पीड लेकिन बहुत स्लो है मेरे को कोई ये नहीं है इसका डैमेज कम है थोड़ा बहुत कम है ज़्यादा कम नहीं है बहुत कम ही है बहुत लेकिन अटैक स्पीड इतना ही फास्ट है एक दो लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा 5000 ही लगता है अभी एक लेवल बढ़ाने के लिए मेरे पास 5000
करना पड़ेगा तब जाके होगा। तो भाई इतना इतना कौन चलेगा यार। काम करता हूँ कार वगैरह यूज करके लास्ट वाले पे चलता हूँ। यहाँ से सीधा हम लोग थर्ड बॉस के लिए जाएंगे। अभी देखो मरना तो है ही, मर के ही ना सीखूंगा मैं। और ये गेम तो वही है, अनफॉरगिविंग है, मैंने जितना लोगों से सुना है सोल्स गेम जैसे होता है। फिर भी यहाँ पे मतलब आप स्पेक्टर बुला सकते हैं, स्पेक्टर बुला के फाइट कर सकते हैं। वो स्पेक्टर हेल्पफुल होता है बहुत बॉस फाइट में। तो ये शायद उस तरफ है, ये लोग मुझे मारता रहेगा पता है। स्पेक्टर के बिना एक बार ट्राई करता हूँ ठीक है। मुझे पता है इतना इजी नहीं होगा, देखते हैं। यहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेट का ऑप्शन क्यों आया था अभी। क्या नाम है इसका, हाँ गूगल ने बोला, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना मैंने। ये मतलब आपको फर्दर प्रोग्रेस करने के लिए इसको मानना होता है, क्योंकि इसके बाद वाले जो बॉस आएंगे वो सब डबल लेयर्ड हेल्थ वाले होंगे। यही लास्ट बॉस है जो सिंगल लेयर हेल्थ वाला है। अभी नहीं, स्पेक्टर नहीं यूज़ करना है,
वेपन चेंज करना है। क्यों, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, कड़क पता चल जाएगा। और लीजा नाम भी चेंज करना है, वेपन असेंबली कर लेता हूँ भाई। ये बात है, गार्ड कर लेता हूँ पहले, ब्लू कलर का आएगा ना गार्ड, वो अटैक करने से आता है, जितना अटैक करूँगा उतना बढ़ेगा। तो पिछले बार जब आया था मैं थोड़ा सा फाइट करके आया था तो फुल था, मरने के बाद तो खाली हो जाता। तो एक बार और अपग्रेड कर लूँ क्या, करता हूँ ये सोर्ट थोड़ा स्लो है, ये भी स्लो, सोर्ट चेंज कर लेता हूँ। और मैं लेफ्ट हैंड यूज़ करना ही भूल गया, एकदम से भूल गया लेफ्ट हैंड यूज़ करना। नहीं, वेपन असेंबल करता हूँ, ब्लेड ये लेता हूँ, ठीक है, सबसे हाई स्पॉट ब्लेड ये है। और इसके साथ सबसे ज़्यादा इससे बढ़ रहा है 63 हो रहा है, 56 ये हो रहा है सबसे ज़्यादा 63। इसमें रिट्रीटिंग स्टैप भी है, इसमें एब्सोल्यूट डिफेंस है, इसमें पेशेंट स्लैश नहीं चाहिए भाई,
रश स्मैश भी सही है, लेकिन ये मेरे को बहुत अच्छा लगा फिजिकल अटैक में प्लस। चेंज कहाँ हुआ? डैमेज तो बढ़ा लिया मैंने, अभी देखता हूँ। डायरेक्टली तो चल ही सकते हैं, लेकिन 5 हेल्थ एनफ नहीं हो रहा। तुम सोच रहे हो 5 बार ऑफ हेल्थ, 5 एम्प्यूम्स ऑफ हेल्थ, मतलब इसको टाइम लेके खेलना पड़ेगा। मैं बहुत जल्दबाजी करता हूँ, जल्दबाजी के लिए ही मरता हूँ मैं। पहले से हेल्थ आधा कर दिया लोहड़े के काल, इसी ले यही लेके जाऊंगा भाई साहब। बहुत स्लो निकला यार, मेरे को लगता है शॉर्ट वेपन से खेलना पड़ेगा। लॉन्ग वेपन नो नो, लॉन्ग वेपन से नहीं हो रहा है। शॉर्ट वेपन में इसका 135 है, 77 है। कभी कभी होता है ना, शॉर्ट वेपन ज़्यादा अच्छा काम करता है लॉन्ग वेपन से। नो मारो मैंने यार, डायरेक्ट जाऊँ, थक गया हूँ यार ऐसे छोटे साइड करते रहते हैं। फिर भी सलाम मार, ऑटो एम लगा हुआ है क्या लोड़े के बाल? ऑटो एम की माँ चोद हुआ मारे चोद। फिर से जल्दबाजी। सही टाइम पे नहीं करने से ही होता है।
अच्छा लगता है ये बहुत थकाएगा भाई, लेकिन ये ही वेपन यूज़ करूँगा मैं। ये सबसे बढ़िया वेपन है, एक हिट से उसका 500 डैमेज किया था मैंने, लेकिन यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा सावधानी से साला मारने का मेरे को बहुत कोशिश करेगा। कितना बार मरना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा सा धैर्य रख के खेलना पड़ेगा। वाह बेटा वाह, और थोड़ा टाइम लगा लेता। मैंने हालत खराब कर दिया था, मैं वाकई बहुत हार्ड है ये भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड है ये, नहीं होगा लगता है, देखता हूँ फिर भी ट्राई करता हूँ, हार नहीं मानने वाला। मेरे को लग रहा है कि मेरे को और ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा। या तो मेरे को स्टैमिना बढ़ाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, इससे मैं इसका उसका डॉच कर सकूं। बहुत आसान हो जाता है यार ये कंट्रोलर में, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, पानी कम चाय लगता है, इसीलिए बोलते हैं कि कंट्रोलर में खेलो कंट्रोलर में खेलो, लेकिन मैं कंट्रोलर में खेलता हूँ। Thank you.
अचानक से वो लाल फॉर्म ले लिया ना, मेरे को वहाँ से भाग जाना चाहिए था क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत हिट किया उसको। पहला उनको पहले ही थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके खेलना पड़ेगा, तभी आसानी से आराम से सेकंड मतलब उसका हेल्थ हाफ होने के बाद उसका स्पीड बढ़ जाता है, सब कुछ जैसे नॉर्मल होता है बाकी जगह पर भी। तो पहले ही साला लाइफ आधा कर दिया हरामी साले कुत्ते ने। चौथी औलाद क्या यार, इतना स्लो मार दो मुझे। थोड़ा गेम है, इतना स्लो है तो वो मार देता पहले आगे मैं। चल आज लगता है सब कुछ बंद, खाना पीना सब बंद करके यही चलाना पड़ेगा मुझे। इतना मच्छर है वहाँ चौथा म्युनसिपलिटी में चला, मैं अपनी अम्मी के गाड़ में घुस के बैठा हुआ म्युनसिपलिटी। सुबह मच्छर, रात को मच्छर, शादी करा तो मच्छर के साथ म्युनसिपलिटी का। पहले उसको अटैक करना पड़ेगा, जितना करना है मर्जी कर ले, उसके बाद अपन अटैक करेंगे।
थ्रो चीज करता है। स्पेक्टर यूज करता हूँ, बहुत हो गया। स्पेक्टर यूज करता हूँ। स्टार फ्रेगमेंट जमा है किस लिए भाई? गेम खत्म करना है मेरे को। ऐसे नहीं है कि इसको लेके पूरा जिंदगी खेलना है। अब इसको दिखाता हूँ, और डैमेज लेने वाला कोई मिलना चाहिए था ना। बहुत हो गया यार, मजाक बना के रख दिया है। अभी स्पेक्टर यूज करूंगा मैं, बहुत हो गया। और कीबोर्ड में खेल रहा हूँ यार, ऐसे लोग नहीं देखते हैं, झाट फर्क पड़ता है मेरे को। इंस्पेक्टर से खेलूँ नहीं खेलूँ, अभी देखता हूँ। किंग किंग का भी मार चोड़ूंगा मेरे को, किंग का कैसे मार चोड़ते हैं। ठीक है। 74 मेरे पास स्टार फ्रेगमेंट है, इसको 74 बार मारूंगा। स्लो है ना ये चीज, स्लो प्रॉब्लम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मुझे लग रहा है मैं ऐसे क्यों जा रहा हूँ, अवॉइड करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। पहले उसको मार खाने दूंगा, ठीक है? मैं अटैक नहीं करूंगा, मैं अटैक करूंगा तो मेरे पे कंसंट्रेट करेगा। भर भर के स्टार फ्रेगमेंट है भाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता नहीं यार, मैं आर दबा रहा था, वो पोज ले लिया, पोज लेता है गेम में, पोज लंड, पोज मैं साला लंड लगाओ, मतलब दबा रहा हूँ आर, तब से साला भी नहीं हुआ। नहीं, मेरा इसको 2 मिनट में खत्म करना है, चाहे उसके लिए मुझे पूरे 70 के 70 स्टार फ्रेगमेंट यहाँ पे यूज ना करना पड़े, कर लूंगा, लेकिन उसको मैं 2 मिनट नहीं मारूंगा।
देखो उसने आधा कर दिया था हेल्थ उसको पहले ही। बोला ना थोड़ा सा धैर्य चाहिए, धैर्य मेरे में एकदम नहीं है अभी भी। बात तर वो है 72 स्टार फ्रेगमेंट्स है यार, वहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया कोर्स सिलेक्ट हो रहा है छोट। कॉल करता है वो कॉल करता है साला 3:30 बजे इन लोगों का मार चुका रहा मारा जो मां मर गया मारा चुका साला फोन करता है मेरे को पाल स्पेक्टर को भी मार रहा है ये। मतलब इस स्पेक्टर का हेल्थ रहते ही मेरे को जितना डैमेज देना है उतना डैमेज दे सकता है, तो उसके बाद स्पेक्टर मरने के बाद डैमेज उतना ज़्यादा नहीं होगा। और मिड फाइट तो वेपन चेंज नहीं होता है, ये तो बहुत अच्छा नहीं है।
यूज़ करके भी नहीं आ रहा है। और ये मतलब वो ये ही नहीं आ रहा उसका, मतलब स्टन हो जाता है, पॉस्चर ब्रेक होता है, वही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो पॉस्चर ब्रेक नहीं है, उससे गिरा हो जाए सर मैच, लेकिन फिर भी उसका स्टैंड सी ब्रोक नहीं हो रहा भाई, जो पिछला बार फिर भी हुआ था, एक बार हुआ था। 70 जब वो पहली बार ये फायर निकलता है जलाने के लिए, तभी मेरे को इसका डैमेज ज़्यादा है, लेकिन सर बहुत ज़्यादा खाता भी तो है स्टैमिना इंक्रीज करने लायक। बस एक ही चीज़ बचा है, स्टैमिना, हर वक्त स्टैमिना बढ़ा हुआ है, स्टैमिना को आसमान छुआ है, तब जाके शायद इसमें तुम और बंद रहोगे। अभी तक तो ऐसे नॉर्मल में 5 बार ट्राई किया, स्पेक्टर के साथ 4 बार ट्राई कर लिया, मैं स्पेक्टर के साथ 5वीं बार ट्राई करने जा रहा हूँ। तिहत्तर में का स्टार ट्राई कर, अभी 68 है, तो 5 वो यूज़ कर लिया मैंने।
भाई वो तो ये भी गया मेरा इलेक्ट्रिक वाला, ये भी गया। इसको कितना ग्राइंड करूं यार, ये नहीं होता है। लो जितना टाइम बचा है उसमें एक दो बार तीन बार और कर लेता हूँ। दिया सारे को साला, हाँ हमने किया। क्या हुआ बेटी चोद, हाँ मरिया तू, मरिया मादर चोद। What do we have here? A broken butler puppet. Yeah, I seem to remember someone on the second floor. Think it belongs to him? We gotta ask what happened sometime. Now's good. नीचे उतरोगे तब बाप रे किंग फ्लेम आसान नहीं था भाई, किंग फ्लेम को मारना। मैंने स्पेक्टर यूज किया, दो तीन पावर यूज किया, उसके बाद ही मैं मार पाया। Yeah.
अच्छा सेकंड फ्लोर में वो चलता हूँ, उससे बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ जब दूसरी सेकंड टाइम में लगता फटता है अभी? नहीं, कान में मेरे मुंह में फटेगा। वो जो अटैक मैंने किया था शिफ्ट एक, उसी से उसका डैमेज हुआ बहुत ज़्यादा। तो बहुत अभी ये हालत है। इसके बाद क्या होगा लगता है मेरे को अभी इसका वीडियोस भी डिलीट करना पड़ेगा। माउस कीबोर्ड के लिए गेम नहीं है भाई, तुम मर जाओगे, मर मर के थक जाओगे, फिर भी सलामी होगी। अभी आज शाम को जाऊंगा, मेरे दोस्त को बोलूंगा कि भाई मैंने तो मार लिया कि फ्लिपो फूको ना क्या फाटो छुरी हुई है ना इसका हुई है। तो बोलेगा आपने अकेले तो नहीं मारा होगा, स्पेक्टर लिया होगा। बोला था स्पेक्टर लिया है भाई, उसकी तरह कंट्रोलर में तो नहीं खेलता हूँ मैं। फिर से मेरे को चेंज करना पड़ेगा फुल मनी से। अगर उसका आग वहाँ पे लग जाता है एक सेकेंड के लिए, वहीं पे खत्म हो जाता है तो वो शायद बचा हुआ था मेरा। Ah, you're back! And you found... Oh, dear. Pulcinella. Pulcinella. They really did a number on you. Pulcinella was proof that puppets possess true courage. I will not rest until I have revived him. But there will be ample time for that. First, I must thank you for a truly heroic piece of work. The factory is ours again. The puppets are going to be in really bad shape after this. Let us return to the hotel and rest while we can. क्यों चल के जाऊंगा भाई? स्टारगेजर एक्टिवेट किस लिए किया है? इधर से इधर रास्ता इधर का और मेरे पास टाइम है ना, 5 मिनट है ना भाई। देखते हैं इधर से रास्ता कहाँ जाता है। सामने और एक स्टारगेजर तो होगा ही, हुआ 100% होगा। तो जाना है फायर है क्या बोलते हैं होटल, तो जाना ही पड़ेगा। होटल जाऊंगा तभी ना अपग्रेड कर पाऊंगा। 12,000 से 2 ही बार अपग्रेड हुआ, 15,000 होता तो भी 3 बार होता है। ओ मैं हाथ चेंज करना भूल गया, चलो कोई नहीं। तो मैं वहाँ पे 5-6 यूज़ कर दिया, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि भाई माउस कीबोर्ड में लगे खेलोगे तुम नहीं कर पाओगे। ओ भाई ये क्या था? ओ सरने है प्राइज अटैक था।
अभी कुछ दिखा था, लेकिन मैंने सोचा इसको ले लूँगा, लेकिन इतना भी पता नहीं क्या फेंका है या फिर क्या हुआ। चाहिए अभी अपग्रेड के लिए, इतना भी अच्छा अच्छा वेपन है सबके लिए, अभी यही चाहिए। ये इधर से मारेगा, उधर से नहीं मारेगा। उनको छोड़ दूंगा मैं, इसके लिए ये वीडियो 2 घंटा भी लग जाए, 14,000 लेके उसको मार के फिर आगे बढ़ूंगा। स्टेमिना चला जाता है इसका हार्ड, इसका हैवी अटैक में।
चाहिए टाइम, वो टाइम अगर देता है एनिमी तभी होता, नहीं तो नहीं होता। देख रहे हो रेंज है, रेंज का साइज देख रहे हो भाई, मेरे शरीर से क्या मेरे माथा से भी भरा है रेंज का साइज। ये वेपन बच्चों के लिए नहीं है भाई, वो स्टार के साथ मिल गया वहीं पे सेव करता हूँ। चलो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड डोंट फॉरगेट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, आई एम जस्ट बर्स्टिंग माय एस डूइंग दिस। गो बैक टू होटल क्राट, पहुँच के फिर बंद कर दें, ऐसे भी 1 घंटा 5 मिनट हो ही है। होल्ड करने से ये तीनों चूस लेगा, यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर डाउन दिख रहा है आपको, पहले वाला में 3 बार है, दूसरे वाला में शिफ्ट प्लस एफ में 2 बार है, तो 3 बार वाला में सिर्फ एफ होल्ड करना है, पूरा चूस लेगा जितना आप कब फील करोगे और वो अटैक मारेगा जो भी मैंने मारा। लेकिन ये बहुत स्लो अटैक है, चलो बाय, सी यू सून, हैव अ गुड डे, टेक केयर। एक बार ये दबाने से यहाँ पे और कुछ, चलो बाय।